एलिवेंथ क्लास बेटा आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं डेट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू डेट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट के ऊपर है बहुत दूर है अर्थ के से तो अर्थ की तरफ अगर हम उसको लेके आते हैं तो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट सपोज की वो पॉइंट ए है तो ए पॉइंट तक उसको लेकर आने के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा डैट डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको जो मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हमें पता है फोर्स विच इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर तो वर्क डन किसके बराबर होता है वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल डिस्टेंस जो है डी एक्स कंसिडर कर रहे हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स तो जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर डिवाइड बा मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अब टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी एम एम ओवर एक्स स्क्र डी एक्स अब इंटीग्रेशन हम कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है क्योंकि हमने बोला था इनफाइनाइट से स्टार्ट होना है तो इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट और फाइनली हमने डिस्टेंस जो है आर से आर डिस्टेंस के ऊपर लेके आना है तो आपका जो फाइनल वैल्यू है इंटीग्रेशन की डेट इज इक्वल टू अपर लिमिट इज इक्वल टू आर तो जीएमएम तीनों ही कांस्टेंट हैं इनको हम बाहर निकालेंगे एक्स की पावर नीचे टू थी ऊपर माइनस टू हो जाएगी माइनस टू डी एक्स अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन के टाइम हमने पढ़ा हुआ है कि वैल्यू जो है पावर एक इंक्रीज़ करती है तो माइनस टू प्लस वन इज़ इक्वल टू माइनस वन और जो पावर बनेंगे उसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे और साथ में लिमिट जो होन्फिनिटी टू आर पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं वन ओवर आर माइनस लोअर लिमिट वन ओवर इन्फिनिटी ये जो माइनस का सिंबल था ये बाहर आ गया तो वन ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है जीरो के बराबर होता है तो आपके पास फाइनल वैल्यू आती है डन विच इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर यहां पर डन नेगेटिव में क्यों आया उसका कारण यह है कि ग्रेविटी तो खुद ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो यहां पर जो है वर्क डन आएगा डेट विल बी नेगेटिव क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है तो उस केस के लिए जो है डन नेगेटिव में रहेगा अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें कुछ डिस्कशंस हैं ये फार्मूला आपने यहाँ तक इतना याद रखना है कुछ नमेरिकल्स में आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करने को मिलेगा बट इसके बाद जो है एक कंडीशन में आप इस बात इस रिलेशन को आप कर सकते वो कंडीशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनइट की बजाय आर वन से आर टू तक हम मूव करवाते हैं तब वर्क डन किसके बराबर होगा या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है देखो यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया वो डेल्टा यू यूज कर रहे हैं डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर किसी ऑब्जेक्ट को मान लो एक पर्टिकुलर हाइट से दूसरी जगह पे लेके जाते हो एक प्लेसिंग एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाते हो तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कितना चेंज आएगा उस चीज को डिस्कस किया हुआ है तो सपोज पहले ऑब्जेक्ट जो था वो आर वन के ऊपर था बाद में उसकी वैल्यू जो है चेंज हो के पोजिशन जो है आर टू हो गई तो है तो सारी की उसी तरह की वैल्यू है इंटीग्रेशन भी उसी तरह से किया है बट अब यहाँ पे वैल्यू वन ओवर आर टू माइनस वन ओवर आर वन बन गया या फिर इसको अगर माइनस को अंदर लेके जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी एम एम ओवर आर वन माइनस जी एम एम ओवर आर टू तो ये फार्मूला किसका है दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले जब हम ने ऊपर बात की थी ये वाला फार्मूला ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को आप उस आर पोजीशन तक लेके आ रहे हो बट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक इन्फाइनइट की बजाय एक पोजीशन आर वन से आर टू तक चेंज करवा रहे हो तो उस टाइम पर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उसका फार्मूला ये वाला रहेगा इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं क्योंकि आपने जो लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है पोटेंशल एनर्जी का फार्मूला एम अब उस चीज़ को हम डेराइव करने जा रहे हैं वो किस तरह से होता है कि मान लो कि इनिशियल पोजीशन जो है वन ओवर आ, आर है आर क्या चीज है रेडियस ऑफ अर्थ तो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है बट फाइनली हमने उसको अर्थ सरफेस से उठा के उसकी हाइट जो है थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है ऊपर ले गए हैं और उसकी वैल्यू कितनी होगी आर प्लस एच एच हाइट तक हम ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर ले गए तो ऐसी दूसरी वैल्यू जो है फाइनल वैल्यू हो जाएगा क्योंकि हमने हाइट एच के ऊपर ऑब्जेक्ट को ले गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करें आगे सारा मैथमेटिकल है आर कॉमन निकालोगे वन प्लस आर ओवर एच प्लस आर प्लस एच आ जाएगा तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आर को नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आर खत्म हो गया वन प्लस एच ओवर आर हो गया देन जी एम एम ओवर आर ये आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी जिसको बाइनोमियली आपने एक्सपेंड करना है तो बाइनोमियल एक्सपेंड करने में हमने पहले भी एक बार पढ़ा हुआ है कि वन प्लस एक्स की पावर अगर माइनस वन है जो कि हमने हाइट वाले वेरिएशन इन ग्रेविटी वाले टॉपिक में पढ़ा था तो ये कुछ इस तरह से बनती है वन माइनस एक्स प्लस हायर पावर जो भी होती हैं तो हायर पावर हम निगलेक्ट कर देते हैं तो आपके पास आएगा जी एम एम ओवर आर ये वाला वन इधर रहेगा और जो अंदर मैथ ये वाली टर्म है इसको हम एक्सपेंड करके वन माइनस एच अपॉन आर बना रहे हैं तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा बाकी बचेगा आपके पास जी एम एम एच डिवाइड बाई आर स्क्र बट जीएम ओवर आर स्क्वेयर किसके बराबर होता है इट इज इक्वल टू स्मॉल स्मॉलेशन डू टू ग्रेविटी तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा विच इज इक्वल टू एम जी एच ये फार्मूला हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हो तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ही बोल देते हैं एमजीएच जी बट वो होता क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई क्योंकि स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस में है तो माइनस से उसकी वैल्यू जो है चेंज होके जो है कम होती जा जीरो की तरफ जाती जा रही है जब इन्फाइनइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की जीरो होती है तो वो वैल्यू जो है माइनस से जो है जीरो की तरफ जा रही है तो हम उसको कहते हैं इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज हो गई और कितनी इंक्रीज हुई वो एम जी एच के बराबर हुई तो ये कुछ डिस्कशन थी बट बेसिक जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यहाँ तक ही है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है तो वो आपने यहाँ तक डराइव करना है अगर डिस्कशन की बात करें या थोड़े से स्पेशल केसेस की बात करें तो ये वाले स्पेशल केसेस जो हैं वो आप इसके साथ कर सकते हो या फिर ये स्पेशल केस अलग से भी आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी अब यहाँ पर खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है अब इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ At a point, uh, in a gravitational field is defined as amount of work done to bring a unit mass so yahi यही hai wahan par पर unit mass nahi नहीं था par पर total mass ki की बात कर रहे थे और यहाँ पर किस बात कर रहे हैं unit mass from infinity to that point पॉइंट बाकी सारे same hai है अब यूनिट मास की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशल का फार्मूला आया था जी एम स्मॉल एम डिवाइड by आर ये स्मॉल एम क्या चीज़ है ऑब्जेक्ट का मास है तो इसको हमने वन कंसिडर कर देना है तो बाकी क्या बचेगा जी एम ओवर आर तो आपका फार्मूला यहाँ पर यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम वी के साथ लिखते हैं एनर्जी को यू के साथ लिखते हैं तो इट इज़ इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर तो इस फार्मूले को आपने जो है याद रखना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अर्थ सरफेस के ऊपर आर की वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी तो ये बन जाएगा माइनस जी एम ओवर कैपिटल आर वेर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ तो आपने ये डिफरेंस भी याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यूनिट मास के लिए होता है और पोटेंशियल एनर्जी जितना भी मास एक्चुअल में हो उसके लिए कंसिडर किया जाता है तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो अच्छे से इसको समझ लेना बेटा इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट भी करना है इसके साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में अक्सर आ जाते हैं तो ध्यान से करना है इसको